चलिए बच्चों, हम बात कर रहे हैं केमिकल काइनेटिक्स के बारे में। तो केमिकल काइनेटिक्स में प्रीवियस लेक्चर में मैंने रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में बात किए थे और रेट ऑफ द रिएक्शन से रिलेटेड मैंने न्यूमेरिकल के बारे में डिस्कशन किए थे। आज हम बात करेंगे रेट लॉ क्या है, रेट एक्सप्रेशन क्या है, इन सारी चीज़ों पर हम थोड़ा सा डिटेल में हम बात करेंगे। तो पहले आप एक एक पॉइंट बच्चों आपको समझना है, इसके बाद जो भी डाउट हो आप इस डाउट को क्लियर करिए। तो सबसे पहले आज हम बात करेंगे रेट लॉ क्या होता है। तो यहाँ पे समझना रेट लॉ क्या होता है, यहाँ पे रेट लॉ मतलब समझने के पहले आप समझिएगा कि द रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। मीन जो रेट लॉ जो होता है वो क्या होता है, जो रेट ऑफ द रिएक्शन जो हमारे रिएक्शन का रेट होता है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। मीन्स हमारा कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो उस केमिकल रिएक्शन में जो हमारा जो रेट ऑफ द रिएक्शन होता है वो क्या होता है, रेट ऑफ द रिएक्शन जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, मतलब रिएक्टेंट के कंसेंट्रेशन के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, उसे क्या बोलते हैं रेट लॉ। यहाँ मीनिंग समझिएगा, लिखा गया द रेट लॉ क्या होता है, द रेट ऑफ रिएक्शन। आप कोई रिएक्शन करा रहे हैं उस रिएक्शन में कोई रेट ऑफ रिएक्शन होगा तो वही कह रहा है कि द रेट ऑफ द रिएक्शन जो रिएक्शन उसका जो रेट ऑफ द रिएक्शन होगा वो क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, मतलब रिएक्टेंट के कंसेंट्रेशन के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, उसी का आप क्या बोलते हैं रेट लॉ बोलते हैं। यहाँ पर सारी चीज समझ में आ गई होंगी। जैसे इन जनरल आपके सामने एक केस लिखा गया है, ए प्लस बी से क्या बनना सी, तो अकॉर्डिंग टू रेट लॉ। रेट लॉ क्या कहता है कि जो हमारा रेट ऑफ द रिएक्शन होता है, जो रेट ऑफ द रिएक्शन होगा वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, कंसेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट ए एंड कंसेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट बी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। तो यहाँ पे लिखिए अकॉर्डिंग टू रेट लॉ रेट ऑफ द रिएक्शन को रिप्रेजेंट करेंगे dx/dt। ये क्या होगा हमारा रेट ऑफ रिएक्शन, dx/dt से आप रिप्रेजेंट करेंगे। तो dx/dt कहीं आर भी मिलता है आपके पेपर में। तो dx/dt मींस रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट ए, कंसेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट बी, इनके जो प्रोडक्ट का जो मल्टीप्लाई होगा वही हमारा कहलाएगा रेट लॉ कहलाएगा। तो dx/dt जब आप इसको हटाएंगे तो यहाँ पे k लगाएंगे तो k इक्वल क्या हो जाएगा a, इस ब्रैकेट में a एंड b, और जहां पर k हमारा क्या होता है रेट कांस्टेंट होगा, और इस इक्वेशन को क्या बोलते हैं रेट एक्सप्रेशन। दिस इक्वेशन इज नोन एज रेट एक्सप्रेशन बोलते हैं। एक बात फिर समझिएगा, रेट लॉ क्या होता है, जब आप कोई केमिकल रिएक्शन करा रहे हैं तो रिएक्टेंट से क्या बनना प्रोडक्ट बनता है, तो हमारा जो रेट ऑफ द रिएक्शन होगा वो हमारा क्या होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो यहाँ पे हमारा जो रिएक्टेंट क्या है ए और बी, इससे हमारा प्रोडक्ट क्या बन रहा है सी बन रहा है। यहाँ पे ये समझ में आ रही होंगी। तो यहाँ वही लिखा प्रोडक्ट ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, जो रिएक्टेंट होगा उस रिएक्टेंट का जो कंसेंट्रेशन होगा उसका जो प्रोडक्ट होगा उसको जो मल्टीप्लाई करते हैं वही हमारा कहलाता है रेट लॉ कहलाता है। यहाँ पे देखिए क्या बनेगा dx/dt इक्वल के ए एंड बी, ये हुआ हमारा रेट लॉ इक्वेशन, जहां पे के हमारा क्या होता है रेट कांस्टेंट होता है। यहाँ तक सारी चीज समझ में आ गई। और इस इक्वेशन को क्या बोलते हो, इस इक्वेशन को बोलते हैं रेट एक्सप्रेशन इक्वेशन बोलते हो। अब इसको अलग से आप एग्जाम में डेफिनेशन पूछा जाता है कि रेट एक्सप्रेशन क्या होता है, तो यहाँ पे समझना, यहाँ पे लिखा क्या गया है द एक्सप्रेशन विच शो द रिलेशन बिटवीन रेट ऑफ रिएक्शन एंड कंसेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इज नोन एज रेट एक्सप्रेशन। जैसे यहाँ पे देखिए ए प्लस बी से क्या बनता है सी, तो रेट का क्या होगा dx/dt इज रेट ऑफ द रिएक्शन क्या होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, यहाँ पे के आपने लगाया। तो रेट एक्सप्रेशन क्या बता रहा है कि रेट ऑफ द रिएक्शन और
कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट के बीच का जो रिलेशन होता है उसे क्या बोलते हैं, रेट एक्सप्रेशन. क्या कहते हैं, एक्सप्रेशन बीच टू द रिलेशन बिटवीन, इनके बीच रिलेशन हो रहा है रेट ऑफ रिएक्शन एंड कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट. तो रेट ऑफ द रिएक्शन और कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट के बीच जो रिलेशन होता है उसे क्या बोलते हैं, रेट एक्सप्रेशन बोलते हैं. बात समझ में आ गई. अब कैसे आप रेट ला कैसे लिए लिखते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dx / dt को लिखते हैं. यहां तक समझ में आप बात आ रही होगी. आज पूछा जाए कि हमारा रेट एक्सप्रेशन क्या है, आप क्या बताएंगे, रिलेशन बिटवीन के बीच रिलेशन, रेट ऑफ द रिएक्शन एंड कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट के बीच का जो रिलेशन बनता है उसे क्या बोलते हैं, रेट एक्सप्रेशन बोलते हैं. बहुत सारी चीजें समझ में आ रही होंगी. अब आप पेपर में पूछा जाता है कि आप एग्जाम में दिया रहेगा पूछेगा कि आप रेट एक्सप्रेशन लिखते हैं, राइट द एक्सप्रेशन. अब यहाँ पे देखिएगा, राइट द रेट एक्सप्रेशन. पहले आप लिखना सीखिए, इसके बाद इसमें भी लेटर कराते हैं. जैसे आपके पेपर में एग्जाम्पल दिया गया है, आज पेपर में एग्जाम्पल दिया गया है, जैसे यहाँ पे लिया गया है, ध्यान देखिए पूछो, 2a प्लस बी से सी बन रहा है और आपसे पूछा जाए कि आपको रेट एक्सप्रेशन लिखना है तो रेट एक्सप्रेशन कैसे लिखेंगे. याद करिए, dx अपान dt इक्वल के, a की पावर क्या होगा 2, b की पावर 1, यहाँ पे 2 है पावर 2 ही जाएगा. जैसे यहाँ पे अगला इक्वेशन दिया pcl 5 से pcl 3 प्लस cl 2 बन रहा है, इसका आप रेट एक्सप्रेशन लिखना है dx अपान dt इक्वल क्या लगाएंगे k, रेट ऑफ रिएक्शन किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट. यहाँ आप क्या लिखेंगे, pcl 5, नोट करिए आप लोग. चलिए एक और क्वेश्चन, जैसे आप लिया गया बच्चों, दिया गया 2NO प्लस ए बन रहा है यहाँ पे 2NO2, ये आज पेपर में क्वेश्चन दिया गया है, इसका आप रेट एक्सप्रेशन कितना, dx अपान dt इक्वल क्या लिखेंगे, k NO, NO पावर क्या हो यहाँ पे 2 और यहाँ क्या लिखेंगे O2. आ जाइए, जैसे आपके पेपर में एग्जाम्पल और दिया गया है, जैसे यहाँ पे आपने हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन आपने कराया CH2 प्लस H2, तो जब एल्कीन का हाइड्रोजनेशन कराते हैं तो वहां पे क्या बनेगा, एल्केन बनेगा CH3 CH3. यहाँ पे आपको क्या लिखना है, dx बाई dt क्या लिखेंगे आप लोग, के CH2 डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ क्या लिखेंगे H2. बात समझ में आ रही, चलिए इसको नोट करिए. एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, H2 प्लस, इसको नोट करिए पहले आप लोग, यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया गया है, तो एग्जाम्पल क्या है, H2 प्लस हाफ O2, यहाँ पे क्या बनेगा H2O, यहाँ पे dx बाई dt क्या लिखेंगे, कि यहाँ पे लिखेंगे H2, यहाँ पे लिखेंगे O2 पावर 2. समझ में आ रहा. चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं, यहाँ पे दिया गया C2H6, यहाँ पे दिया गया C2H6, यहाँ पर आप बैलेंस कर लीजिए CO2 प्लस 3H2O, कितने ऑक्सीजन हुए यहाँ पे, यहाँ पे आपको जो क्वेश्चन दिया गया C1/2O2, एथेन दिया गया है, कंबस्शन हो रहा है, यहाँ पे C2H6 प्लस 7/2O2
तो CO2 plus 3H2O दिया गया है, इसका आपको लिखना है रेट एक्सप्रेशन, तो कैसे लिखेंगे, dx by dt equal क्या हो जाएगा, कि यहाँ पे लेंगे C2H6 और O2 यहाँ पे लेंगे 7/2। तो इस तरह आपके पेपर में पहले पूछा जाए, आपके सामने क्वेश्चन दिया गया है और रेट एक्सप्रेशन पूछ लिया जाए, तो रेट एक्सप्रेशन क्या होता है, रिलेशन बिटवीन, क्योंकि जिस रिलेशन होता है रेट ऑफ द रिएक्शन एंड कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट के बीच का जो रिलेशन होता है उसे क्या बोलते हैं, रेट एक्सप्रेशन बोलते हैं। अब चलिए थोड़ा सा हम इस पर न्यूमेरिकल पे डिस्कशन कर लेते हैं कि आपके एग्जाम में कैसे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। यहाँ तक सारी चीज़ें समझ में आ गई बच्चों, अब आ जाइए न्यूमेरिकल पे। चलिए आपके ब्लैक बोर्ड पे न्यूमेरिकल लिखा हुआ है और थोड़ा सा इस पर फोकस करिए, देखिए क्या दिया गया है, दिया गया द रेट कॉन्स्टेंट फॉर द डिकम्पोजिशन ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये आपके सामने क्वेश्चन दिया गया है, 2NO2 से क्या बनना, 2NO+O2 मीन डिकम्पोजिशन होना, किसका हो रहा है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो जब डिकम्पोजिशन होता है तो हमारा जो भी मॉलिक्यूल होता है एक से ज्यादा चीज में ब्रेक होता है, तो जब आप नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का डिकम्पोजिशन कराया तो क्या बना, 2NO+O2, इतना समझ में आ रहा है। तो क्या कहता है, रेट कॉन्स्टेंट फॉर द डिकम्पोजिशन ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की, मतलब हमारा रेट कॉन्स्टेंट मतलब के की वैल्यू दी गई है पेपर में, पर पूछिए क्या क्या दिया गया है, मीन्स आपका जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है उसका डिकम्पोजिशन हो रहा है और डिकम्पोजिशन के लिए जो के की वैल्यू कितनी दी गई, 1.8×10^3 दी गई है, यहाँ पे रेट कॉन्स्टेंट की वैल्यू दी गई है। आगे हम बात करेंगे कि रेट कॉन्स्टेंट किस चीज पे डिपेंड करता है, यहाँ से लिखा था रेट कॉन्स्टेंट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड कितना दिया गया, 1.8×10^3 दिया गया है। पूछा क्या गया है, पूछा गया इनिशियल रेट, क्या पूछा गया, इनिशियल रेट मतलब रेट पूछा गया है, रेट मतलब क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन, इनिशियल रेट का मतलब क्या होगा, dx/dt आपसे पूछा गया है, इनिशियल रेट का मतलब क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन आपसे पूछा गया है। आगे क्या दिया गया है, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ NO2 कितना दिया गया, 0.5 मीन्स NO2 का इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ NO2 NO2 का कंसंट्रेशन कितना दिया गया, 0.5 मोल पर डेसीमीटर क्यूब दिया गया है। आपसे पूछा क्या गया, dx/dt पूछा गया है, तो पहले आप इक्वेशन नोट करिए, यहाँ पर आपको इक्वेशन क्या दिया गया है, 2NO2 से क्या दिया गया है, 2NO+O2, तो यहाँ पे रेट कैसे लिखेंगे, dx/dt मैंने का रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, यहाँ पर क्या दिया गया है, NO2, यहाँ पर के लगाएंगे और इसके पावर क्या रखेंगे, 2। अब देखिए आपके पेपर में क्या क्या दिया गया, के की वैल्यू दी गई है, कंसंट्रेशन ऑफ NO2 दिया गया है, पूछा क्या गया, इनिशियल रेट dx/dt आपसे पूछा गया है, तो यहाँ पर के की वैल्यू कितनी दी गई है, के की वैल्यू दी गई 1.8×10^3×0.5 तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1.8×10^3×मल्टीप्लाई करेंगे 0.25, आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो हमारा आएगा वही हमारा आंसर होगा। समझ में आ रहा, सिंपल सा देखिए न्यूमेरिकल दिया गया है, पेपर में कुछ भी नहीं, रेट कॉन्स्टेंट की वैल्यू दी गई है, इनिशियल कंसंट्रेशन आपका पेपर में दिया गया है, पूछा क्या गया, रेट पूछा गया है, तो रेट कैसे निकालते हैं, ये आपके इक्वेशन दिया गया है, तो dx/dt मींस रेट ऑफ द रिएक्शन, या रेट कैसे निकालेंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, यहां के NO2 की पावर क्या रखेंगे, 2। एक क्वेश्चन आपको बनाना आ गया होगा और सिंपल सा इसी भी आपके एग्जाम में न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, दो नंबर में, इसको नोट करिए आप लोग।
चलिए जो आज आप सेकंड कॉलम पे हम डिस्कशन कर लेते हैं। यहाँ पे आपका सेकंड जो कॉलम दिया गया है तो यहाँ लिखा गया फॉर द डिकम्पोजिशन ऑफ एथाइल क्लोरोकार्बोनेट। एथाइल क्लोरोकार्बोनेट का डिकम्पोजिशन हो रहा है। एथाइल क्लोरोकार्बोनेट का फार्मूला ClCO2H5, ये सब आप पेपर फार्मूले मिलेंगे। इसका जब डिकम्पोजिशन करा क्या बना CO2 ClCH2CH3। आपके पेपर में दिया गया है जो रेट कांस्टेंट है उसकी वैल्यू दी गई 1.3 × 10³ दी गई है और कंसंट्रेशन इथाइल क्लोरोकार्बोनेट का दिया गया 0.25 दिया गया है। पूछा गया कि आपके पेपर इनिशियल रेट आपसे पूछा गया है तो यहाँ पे आपके सामने एक क्वेश्चन दिया गया है, के की वैल्यू दी गई है, कंसंट्रेशन ऑफ इथाइल क्लोरोकार्बोनेट दिया गया है, आप पूछा क्या गया इनिशियल रेट। इनिशियल रेट मतलब क्या होगा dx/dt, कहीं पे आपको पेपर में आर करके भी मिलेगा तो आप dx/dt बोलिए या तो आर बोलिए, किसी भी चीज से आप उसको इंडिकेट कर सकते हैं। तो इनिशियल रेट कैसे लिखेंगे dx/dt इक्वल क्या होगा के और यहां पे क्या लिखेंगे ClCOO C2H5। के की वैल्यू पेपर दिया गया है, के की वैल्यू कितनी दी गई है, के की वैल्यू यहाँ पे दी गई है 1.3 × 10⁻³ मल्टीप्लाई कितना होगा यहाँ पे 0.25। के की वैल्यू दी गई है, के की वैल्यू आपको पेपर दिया गया 1.3 × 10⁻³ 0.25। आप मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई करने के जो आएगा वही हमारा क्या होगा आंसर होगा। आपके एग्जाम में एक या दो नंबर के पूछे जाते हैं, ये सिंपल से प्रॉब्लम थे। इस तरह आज आपका जो पहला टॉपिक था रेट एक्सप्रेशन आपका कंप्लीट होता है। अगले लेक्चर में हम बात करेंगे रेट लॉ के बारे में बात करेंगे, इसके बाद रेट लॉ से रिलेटेड अभी तो रेट लॉ डिस्कशन हो ही रहा है, अब हम रेट लॉ से रिलेटेड थोड़ा सा एनसीईआरटी के प्रॉब्लम और आपके जो एग्जाम में प्रॉब्लम पूछे गए हैं उस पर हम डिस्कशन करेंगे। तो अगले लेक्चर में हम रेट लॉ से रिलेटेड और रिलेटेड पर डिस्कशन करेंगे, इसके बाद मॉलिक्युलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की बात करेंगे। तो ओके, आज के लेक्चर में थैंक यू।